जय हिंद वंदे मातरम साथियों, वेलकम है आप सभी का विजयपथ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो एक बार फिर से आज हम करंट अफेयर के सेशन में आपके साथ जुड़ चुके हैं। सितंबर 2023 पूरे मंथ का जो है वो आज करंट अफेयर हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ रहेंगे जो कि आपके हिमाचल एग्जाम के साथ साथ ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम को भी कवर करेंगे। सितंबर 2023 की हमारी जो है ये क्लास रहने वाली है और पूरे के पूरे इस सितंबर मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे रहेंगे उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सितंबर 2023 से पहले जो है वो अगस्त की भी आपको करंट अफेयर की वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवाई गई है। ये सारा का सारा करंट अफेयर हमारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स जैसे डिफेंस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो हमारे रहते हैं जिसमें हिमाचल पुलिस का एग्ज़ाम है, एचआरटीसी का एग्ज़ाम है, अभी तक हमारा एक नया राज्य चयन आयोग भी जो है वो गठित हुआ है इसी मंथ, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो हमारा ये करंट अफेयर का सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन सभी करंट अफेयर के सेशन में जो है वो क्या हम डिस्कस करेंगे तो आप देख सकते हैं, बैंक से रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस करेंगे, नेशनल अफेयर रहेंगे, स्पोर्ट्स अवार्ड, डिफेंस, इंटरनेशनल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमारी रहेंगी उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को ध्यान में देखते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, बायलिंगुअल हमारे पास ये पीडीएफ रहेगी, एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों के ऊपर लाइव हमारी ये क्लास जो है वो रहने वाली है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में भाग लेगी भारतीय वायुसेना। तो देखिए हम क्वेश्चंस को किस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम इसको डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके एमसीक्यू लगाएंगे और उसके बाद इसके वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो तीनों तरीकों से जो है वो हम इस सेशन को पूरा करेंगे। तो बीच बीच में जो है वो मैं इसको चेंज करूंगा, कहीं पे मैं एमसीक्यू ले आऊंगा, कहीं पे मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो इन सभी को जो वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में भाग लेगी भारतीय सेना। तो इंडियन एयरफोर्स जो है उसने मिस्र में आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास जो होने वाला है उसके लिए भारत के द्वारा जो है वो एक दल भेजा गया है। तो देखिए कहाँ पे होने वाला है, मिस्र में होने वाला है और उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है, ब्राइट स्टार 23, और ये जो है वो त्रिसेवा अभ्यास के नाम से जाना जाएगा। पहली बार जो है ये भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में क्या कर रही है, भाग ले रही है। तो ये चीज भी आपको जो है वो ध्यान में रखने वाली है कि भाई वायुसेना जो है वो पहली बार ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में जो है वो भाग लेने वाली है। इसके पहले गरुड़ नामक अभ्यास जो है वो भी भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है वो किया गया है। भारतीय वायुसेना ने मिस्र में शुरू हुए 21 दिवसीय युद्ध अभ्यास था जिसमें ये 5 MiG-29 लड़ाकू जेट विमान भेजे गए थे, 6 परिवहन विमान के अलावा स्पेशल फोर्स के एक ग्रुप को भी भेजा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में जो है वो अपनी प्रैक्टिस करेगी, इस अभ्यास का नाम जो है वो है ब्राइट स्टार 23। देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से अगला चांद मिशन पूरा करेगा इसरो। तो इंडिया ने हाल ही में जो है वो 23 तारीख को जो है 23 अगस्त को चंद्रमा के ऊपर जो है वो एक हासिल की है, चंद्रयान 3 को जो है वो सक्सेसफुली उसको लॉन्च किया गया था। तो वो सक्सेस हमारा इंडिया का मिशन रहा इसरो के द्वारा। तो अभी हाल ही में एक इसरो जो है वो एक नया चंद्रमा मिशन जो है वो शुरू करने जा रहा है जिसका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो भी चांद के ऊपर जो है वो रिसर्च के लिए भेजा जाएगा, लेकिन ये जो है वो जापान के अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से भेजा जा रहा है। इसमें लूनर पोलर एक्सप्लोरर स्टेशन मिशन और जैक्सा के नाम से जो एजेंसी हैं ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो कि हमारा डीआरडीओ है या फिर इसरो है दोनों के साथ जो है ये सहयोग करके चांद के मिशन को जो है वो पूरा करने जा रहे हैं। तो ये करंट अफेयर के लिए उतना इंपॉर्टेंट तो हम नहीं बोल सकते। नेक्स्ट देखिए, आकाशवाणी ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के
तत्वावधान में नो इंडिया प्रोग्राम से संबंधित एक कार्यक्रम का आयोजित किया। तो देखिए अभी आकाशवाणी के द्वारा जो है वो नई दिल्ली में एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, नो इंडिया प्रोग्राम KIP, आपको ध्यान में रखना है। एक नया प्रोग्राम आकाशवाणी के द्वारा भी हाल ही में जो है वो स्टार्ट किया गया, उसका नाम क्या है, नो इंडिया प्रोग्राम KIP। भारतीय मूल के लगभग 55 विद्यार्थियों ने जो है वो वहां पर उसमें भाग लिया, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भारत के युवा हैं उनको भारतीय मूल्यों से परिचित करवाना है, जो इंडियन की वैल्यूज रहती हैं, कौन सी उसकी ड्यूटीज रहती हैं, उसकी वैल्यूज रहती हैं, उसके बारे में उसको जो है वो जागरूकता देनी है, ताकि वो अन्य लोगों को भी जागरूकता दे सके, उसको बढ़ा सके। नेक्स्ट क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है फुटबॉल की दर्जा, फुटबॉल का जो दर्जा, जो खेल है उसको बढ़ाने के लिए जो है वो एक समझौता जो है वो किया गया है, जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ एक समझौता किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य के सरकार ने जो है वो जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ हाल ही में एक समझौता किया है। तो फुटबॉल खेल को जो है वो बढ़ाने के लिए, उसके दर्जे को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये मुख्य कदम जो है वो उठाया है। इसमें मुख्य रूप से ये बोला गया है कि जो भी बच्चे जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो उनका रुझान जो है वो फुटबॉल की तरफ आए, जो बच्चे नए आते हैं वो फुटबॉल की तरफ अट्रैक्ट हों, ताकि वो फुटबॉल को अपना एक पैशन या अपनी एक गेम जो है वो चूज कर सकें, क्योंकि धीरे धीरे फुटबॉल जो है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि उतने ग्राउंड जो है वो नहीं बचे हैं। तो इस फुटबॉल को बचाने के लिए, इस गेम को बचाने के लिए जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये मुख्य रूप से एक मुहिम जो है वो चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत की है। तो अभी हाल ही में जो शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा जो है वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, जिसको SIH के नाम से जानते हैं, उसका 6th संस्करण जो है उसकी शुरुआत की गई है, और इसमें जो है वो मुख्य रूप से जो है वो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी काफ़ी बड़ी भूमिका जो है वो रहती है। और ये हमारा कब से कब तक चलेगा, 30 सितंबर से ये जो है वो 30 अक्टूबर तक ये हमारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो है वो चलेगा। इस अवसर के ऊपर जो शिक्षा सचिव हैं संजय मूर्ति, उनके द्वारा कहा गया कि जो वर्ष G20 समूह की भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन की मेजबानी की, जिसमें मुख्य रूप से 22 अफ्रीकी देशों ने हिस्सा लिया, तो उसी के उपलक्ष्य के ऊपर जो है वो एक नई मुहिम जो है वो चलाई गई है। पहले भी चलाई गई थी, उसके 5 संस्करण जो है वो कंप्लीट हो चुके थे, ये जो है वो 6th टर्म जो है वो अभी इंडिया के द्वारा जो है वो चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में है, शिवराज सिंह और अनुराग ठाकुर ने जो है वो पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया है। तो अभी हाल ही में जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा, और जो भारत के केंद्रीय सूचना प्रसारण या फिर खेल मंत्री आप बोल सकते हैं, हिमाचल से बिलोंग करते हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उनके द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया, एक पुस्तक लॉन्च की गई है, और वो किसके ऊपर आधारित है, प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों के ऊपर। तो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जून 2020 से लेके मई 2022 तक जो भी भाषण उनके द्वारा दिए गए हैं, उनमें कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका खंडन करके जो है उनका यूज करके एक नई बुक जो है वो पब्लिश की गई है, और इसके आधारित श्रृंखला जो है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास शीर्षक की पुस्तकों का दूसरा और तीसरा खंडन का विमोचन किया गया है। तो देखिए टाइटल क्या रखा गया है बुक का, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ये कोई नारा नहीं है, ये एक पुस्तक का टाइटल है, पुस्तक इस नाम से जो है वो छपी है। और क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, ये किस व्यक्ति के भाषण के ऊपर छपी है, या फिर इसका विमोचन जो है वो किसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, जेप्टो बना इस साल का भारतीय यूनिकॉर्न, और ये इसकी कंपनी की जो नेटवर्थ है वो कितनी होगी, 1.4 बिलियन डॉलर। तो देखिए अभी हाल ही में जो है वो एक ग्रोसरी स्टार्टअप के लिए जो है वो जेप्टो नामक कंपनी जो है वो शुरू हुई थी 25 अगस्त 2023 को। अभी अगर इनके लेटेस्ट फंड की अगर बात करें तो 200 मिलियन डॉलर जो है इनके द्वारा ये हासिल किए गए हैं, और ये इस देश का भारत का पहला यूनिकॉर्न जो है ये बन गया है, जिसने साल भर के अंदर ये अपनी एक नई मुहिम जो है वो चलाई थी और एक नया मुकाम जो है वो हासिल किया गया है। जेप्टो ने कहा कि पूंजी बाजार में एक दशक से अधिक समय से
मंदी चली थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है वो फंडिंग हासिल की और जेप्टो जो है वो एक मुख्य रूप से जो है वो ग्रोसरी के सामान के ऊपर जो है वो ग्रोसरी का सामान जो आपको प्रोवाइड करवाता है और लगभग 10 से 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपको घर तक सामान पहुंचाने की सुविधा ये आपको देता है। देखिए नेक्स्ट है, पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना ने ई गवर्नेंस 2023 के लिए जीता राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ था जिसको हम स्वामित्व योजना कहते हैं, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अभी हाल ही में 2023 में इसके लिए जो है वो भारत को जो है वो स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के लिए जो है वो ये दिया जाता है। ये सम्मान भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं सार्वजनिक शिकायतों विभाग द्वारा आयोजित की गई मध्य प्रदेश के इंदौर में 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में जो है ये दिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। अभी भारत को जो है वो पंचायती राज मंत्रालय के लिए ई गवर्नेंस 2023 के लिए अवार्ड मिला है, जिसमें जो सबसे पहले स्थान पर रहा वो आप बोल सकते हैं मध्य प्रदेश जो है वो सबसे पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो कि सितंबर मंथ के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं 29 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जिसको हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से जानते हैं 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि भारत के एक महान हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनकी याद में ये खेल दिवस जो है वो पूरे भारत में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन आप बोल सकते हैं हमारे स्कूल्स में भी जो है वो टूर्नामेंट्स रखे जाते हैं ताकि खिलाड़ियों का जो है वो एक दृष्टिकोण जो है वो एक स्पोर्ट्स की तरफ जो है वो नजर आए। इस दिन महान हॉकी प्लेयर जो कि मेजर ध्यानचंद थे उनका जन्म हुआ था, 1905 में उनका जो है वो जन्म हुआ था प्रयागराज में, जो कि आपका यूपी में पड़ता है, और उन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए जो है वो स्वर्ण पदक जो है वो जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे पहले कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा, तो देखिए ऐसा कौन सा देश है जो कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा, तो उस देश का नाम है श्रीलंका। तो श्रीलंका ने जो है वो अपना पहला कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव जो है इसके लिए वो मेजबानी के लिए घोषणा की गई है, और ये जो है वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और ME ग्लोबल पीस फाउंडेशन के सहयोग के द्वारा जो है वो ये किया जा रहा है, और इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक विविधता में भारत और श्रीलंका की साझा सांस्कृतिक विरासत में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया जाएगा। तो देखिए इसमें बोला क्या गया है, जस्ट अ सेकंड, देखिए इसमें आपको बोला गया है कि जो कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल है उसकी मेजबानी जो है वो कौन करेगा, वो करेगा श्रीलंका, ठीक है। लेकिन ये किसकी सहायता के द्वारा किया जा रहा है, तो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र जो है, या फिर आप बोल सकते हैं इसके साथ साथ ME ग्लोबल पीस फाउंडेशन के सहयोग के द्वारा जो है ये एक नई मुहिम जो है वो चलाई गई है, और ये भारत और श्रीलंका के बीच में जो सांस्कृतिक विरासत है उसके लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए जो है एक नई मुहिम जो है वो चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया। अभी मैंने आपको ये बताया क्योंकि कुछ ऐसे ही यूनिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने जो है ये समझौता किया है ताकि खेलों का जो सिस्टम है उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो ध्यान दिया जाए, किस तरीके से खेल होने चाहिए उसके लिए, और जो हमारा फुटबॉल गेम है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के साथ फुटबॉल लीग के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है, किस देश में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, मिस्र के साथ जो है ये समझौता किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो गरुड़ थी वो भी इंडियन एयरफोर्स की जो है वो आर्मी एक्सरसाइज है, वैसे ही ब्राइट स्टार 23 जो है वो भारत और मिस्र के बीच होने वाली इंडियन एयरफोर्स की जो है एक आर्मी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है जिन्हें दूसरी बार 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन आपका यह माना जाएगा, मनागागबा
तो जिम्बाब्वे के जो राष्ट्रपति चुनाव के अभी हाल ही में हुए थे, तो उसके बाद जो है इनको फिर से एमसन को जो है वो फिर से जो है वो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और अगले 5 साल के लिए फिर से जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति जो है वो बन गए हैं। अब जिम्बाब्वे क्या है, एक दक्षिण अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से बैन हटा दिया है? तो अभी हाल ही में फीफा ने श्रीलंका के साथ जो बैन लगा था उसको जो है वो हटा दिया है। फीफा ने इस वर्ष 21 जनवरी को श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध लगाया था और ये इसलिए लगाया था क्योंकि ये उनके नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था बार बार। इसलिए जो जुलाई में चैंपियनशिप होने वाली थी 2023 जुलाई में जो चैंपियनशिप होने वाली थी उसमें श्रीलंका की टीम को जो है वो जगह नहीं मिली थी, वो हिस्सा नहीं ले पाई थी क्योंकि उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था फीफा के द्वारा। लेकिन अभी हाल ही में जो है 1 सितंबर को जो है वो फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से जो बैन लगाया था उसको पूरी तरह से हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़े ने किसे गृह मामलों में संबंधी स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए राज्यसभा के सभापति कौन है, तो वो है जगदीप धनखड़े। इनके द्वारा जो है वो गृह मामलों के संबंधित जो भी एक नई समिति बनाई गई है उसका एक सदस्य बनाया गया है, किसको, पी चिदम्बरम जी को। और जगदीप धनखड़े जो हैं इन्होंने पी चिदम्बरम को गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। ये जो है वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और राज्यसभा सचिवालय के बुलेटिन के माध्यम से जो है ये खबर सभी को दी गई थी और इसमें ये बताया गया था कि वह पी भट्टाचार्य का स्थान लेंगे क्योंकि पी भट्टाचार्य जो है वो 18 अगस्त 2023 को अभी कुछ एक महीने के बाद ही ये जो है वो रिटायर हो जाएंगे राज्यसभा से। तो उनके स्थान पर क्योंकि वो कमेटी में जुड़े थे, गृह मामले संबंधी कमेटी में वो जुड़े थे, तो गृह मामले संबंधी कमेटी में अब कांग्रेस के जो सांसद हैं पी चिदम्बरम जी उनको जो है वो वहां पर रखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शेल इंडिया ने अपने किसे नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है? तो मानसी मदन त्रिपाठी जी को जो है वो नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है सेल इंडिया के द्वारा। तो देखिए सेल इंडिया में क्या चीज बताई गई है, 2012 में ये जो है वो कंपनी में शामिल हुई थी और ये शेल इंडिया जो है वो एक इंटरनेशनल आप बोल सकते हैं तेल और गैस की एक कंपनी है, ऑयल एंड गैस की जो है वो क्या है, एक कंपनी है। तो उसके बाद अब हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास दिया गया, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़े ने अभी हाल ही में किसे गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया है? अभी मैंने आपको बता दिया पी चिदम्बरम जी को ये नियुक्त किया गया है क्योंकि उनके स्थान पर वो किसके स्थान लेंगे ये भी आप देख सकते हैं। हम देखिए यहाँ पे बताया था पी भट्टाचार्य जो है उनका स्थान लेंगे क्योंकि पी भट्टाचार्य का स्थान लेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक महीने के बाद रिटायर होंगे, नहीं ये जो है वो 18 अगस्त 2023 को रिटायर हो चुके हैं, अगस्त मंथ हमारा हो चुका है, रिटायर हो गए हैं, उनके बाद इनको जो है वो उस कमेटी में इनको एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस देश की राष्ट्रपति कैटरीना ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक नया अवार्ड मिला है और उस अवार्ड का नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। किसके द्वारा दिया गया है? ग्रीस की राष्ट्रपति के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला कौन सा अवार्ड दिया गया और दूसरा किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को मिला है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में तेलुगु सुपरस्टार को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम है अल्लू अर्जुन। तो तेलुगु सुपरस्टार हैं ये और अभी हाल ही में इनके द्वारा एक फिल्म जो है वो हिट की गई थी, मेरे को उसका नाम जो है वो याद नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में जो है वो उस फिल्म का नाम जो है वो पिन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, भारत में राष्ट्रीय खेल प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को पूरे भारत में ही मनाया जाता है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है जिनको दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया? तो एमसन जो है वो उनका नाम है। उसके बाद कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। भारत के साथ ये
कल्चर के लिए जो है वो जुड़ा है। उसके बाद ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 भारत और मिस्र के बीच जो है ये करवाई जाती है। शेल इंडिया जो है उसने अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है जिनका नाम है मानसी मदन त्रिपाठी, लेडीज हैं। और शेल इंडिया मैंने आपको बता दिया ऑयल एंड गैस की एक इंटरनेशनल कंपनी है। उसके बाद है हाल ही में कहाँ पहला हिंदू मंदिर बनके तैयार हुआ है, तो ताइवान की राजधानी ताइपे में जो है पहला हिंदू मंदिर बनके तैयार हुआ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को कौन सा डे मनाने की घोषणा की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर 23 अगस्त को भारत ने जो भारत के द्वारा भेजा गया चंद्रयान 3 था उसको पूरी तरह से चंद्रमा के ऊपर लैंड करवा दिया गया था, इसीलिए पूरे भारत में 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा भारत के द्वारा की गई है। आई थिंक मैंने शायद आपको पीछे कुछ गलती से बता दिया, 23 सितंबर शायद मैंने आपको बता दिया, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि सर 23 अगस्त को लॉन्च नहीं हुआ था, 23 सितंबर को लॉन्च नहीं हुआ था, 23 अगस्त को हुआ था, तो आप एक बार यहाँ पे इसको करेक्शन कर लीजिएगा, 23 अगस्त यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारत किसके साथ मिलकर दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेगा, तो ADB के द्वारा, एशियन विकास बैंक के द्वारा जो है ये काम अभी हाल ही में किया जाएगा, जो कि दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी मुश्किलें आ रही हैं उसके साथ जो है ये मिलकर एक कॉरपोरेशन जो है वो चलाई गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको इंग्लिश में भी ये करंट अफेयर जो है वो हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इसकी PDF आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन ऐप के ऊपर ही आपको मिलेगी। प्ले स्टोर में आप जाइए, विजयपथ आप सर्च कीजिए, आपको ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है, करंट अफेयर के सेक्शन में आप जाएंगे जहाँ पे आप वीडियो को भी देख सकते हैं, साथ में इसकी PDF जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बायलिंगुअल आपके लिए रहती है, हिंदी का सेशन अलग है, इंग्लिश का सेशन अलग है, और एक सेशन अभी हमने कंप्लीट किया, उसके बाद अब हम इसका सेकेंड सेशन जो है वो लगाएंगे। देखिए सेकेंड में हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, अप्रैल जून तिमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 34% घटकर 10.94 अरब डॉलर पर पहुंचा है, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि अभी हाल ही में कितने प्रतिशत गिरावट जो है वो दर्ज की गई है, तो 34% यहाँ पे गिरावट जो है वो बताई है, 34% जो है वो घटा है, और इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और टेलीकॉम ऑटो या फिर वो जो फार्मा सेक्टर हैं इसमें कम प्रवाह के चलते अप्रैल जून तिमाही के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको FDI के नाम से हम जानते हैं 34% घटकर जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ 10.94 अरब डॉलर ही जो है ये रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RBI ने जलगाम पीपल्स को कोऑपरेटिव बैंक के साथ अकोला मर्चेंट को कोऑपरेटिव बैंक के स्वैच्छिक एकीकरण को दी है मंजूरी, तो अभी हाल ही में जो RBI के गवर्नर हैं उनके द्वारा ये मंजूरी दे दी गई है। RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 अगस्त को ये कहा था कि उसने अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक जो है वहाँ के जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय होने को मंजूरी दे दी है, यानी कि अकोला बैंक और साथ में जो जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक है वो दोनों अब क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे कहा है। 28 अगस्त से जो है इनकी विभिन्न शाखाएं जो है वो अपना अपना कार्य जो है वो शुरू कर देंगी, और ये RBI ने जो है ये बैंकों का एकीकरण के लिए जो है वो एक नई मुहिम जो थी वो चलाई थी, उसके अंडर इसको जो है वो मर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग और UNDP सहयोग में भारत में SDG में तेजी लाना, तो नीति आयोग ने कहा है कि भारत में जल्दी ही SDG में जो है वो तेजी लानी होगी, तो अभी हाल ही में भारत में जो है वो G20 सम्मेलन जो हुआ है, अध्यक्ष हमारे प्यारे भारत को जो है वो बनाया गया था, तो इसमें नीति आयोग के द्वारा ये कहा गया है कि एक हस्ताक्षर जो है वो लिए गए हैं, ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर लिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि एक नया रूप जो है वो भारत को देना है, जिसमें मुख्य रूप से जो जिले हैं, ब्लॉक हैं
या फिर जो भी हमारे स्टेट लेवल के ऊपर जो वर्किंग रहती है उसको जो है थोड़ा सा और अच्छे ढंग से उसकी रूपरेखा जो है वो तैयार करनी है। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी कवि जयंत महापात्रा का 95 साल की आयु में निधन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बनता है, कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो बन सकता है, क्योंकि अप लेवल का जीके, अप लेवल का करंट अफेयर आपके एग्जाम में आजकल पूछा जाएगा। आप सभी जानते हैं हमारा एचपी राज्य चयन आयोग भी जो है वो गठित हो गया है, जल्दी ही वहां पे भर्तियां हमें देखने को मिलेंगी, तो वहां पे कुछ ऐसे ही यूनिक से प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो अंग्रेजी कवि थे जयंत महापात्रा, इनका अभी हाल ही में 95 वर्ष की आयु में जो है वो निधन हो गया है। 22 अक्टूबर 1928 को उड़ीसा के कटक में जो है वो इनका जो है वो जन्म हुआ था, और 50 वर्षों से अधिक समय तक इन्होंने जो है वो साहित्यिक यात्रा जो है वो की है। इसके दौरान उन्होंने लेखन के साथ साथ एक लेखिक अपने लिखित जो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें थी उसमें एक अपना प्रभाव जो है वो डाला है, और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से जो है वो अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद इन्होंने भौतिकी भी पढ़ाई है, यानी कि फिजिक्स भी पढ़ाई है। अंग्रेजी कविता में उनकी जो है वो रुचि काफ़ी बढ़ती गई, और उन्होंने 1971 में उनकी जो फेमस एक पुस्तक है जिसको पहला संग्रह हम कहते हैं, तो स्वयंवर जो है वो किसके द्वारा रचित है, तो इंग्लिश के कवि हैं, अंग्रेजी कवि हैं जयंत महापात्रा, और वहीं से इनकी जो है वो लिखने की जो है रुचि वो इतनी गहरी हो गई कि इनकी काव्य यात्रा जो है वो वहां से एक नया मोड़ जो है वो लेके आई। नेक्स्ट देखिए, जया वर्मा सिंघा ने संभाला रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का कामकाज। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पहली ऐसी भारतीय महिला हैं जिन्होंने 166 साल के बाद जो है वो एक नया इतिहास रचा है। अभी हाल ही में जया वर्मा सिन्हा के द्वारा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में इनको कार्यभार दिया गया है। भारतीय रेलवे के 166 साल के इतिहास में ये ऐसा पहली महिला है जिनको ये पद संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, केंद्र सरकार ने जया वर्मा को भारतीय रेलवे की प्रथम महिला अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया है। सरकार के द्वारा अधिसूचना में कहा गया था कि रेलवे बोर्ड जो है वो इनको नई नियुक्ति की मंजूरी जो है वो दे रहा है, और अभी हाल ही में 1 सितंबर को जो है इन्होंने जो है अपना कार्यभार संभाला था। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक रहेगा, और ये जो है ये ऐसी भारत की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने जो है ये नया इतिहास रचा है। नेक्स्ट देखिए, भारत में अक्टूबर में होगा ग्लोबल इंडियन AI 2023 का आयोजन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है वो डे बाय डे हमारे पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जो है वो फैल रही है। तो भारत अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 2023 के पहले सशस्करण की मेजबानी करेगा। तो देखिए, 2023 में जो है वो पहला इसका सशस्करण जो है वो किया जाएगा, किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूचना के अनुसार जो है वो ये कहा गया है कि इसमें जो भी कंपनियां हैं जो कि कंप्यूटर रिलेटेड हैं, जो कि स्टार्टअप करना चाहती हैं, निवेश करना चाहती हैं, वो सभी जो हैं इस सम्मेलन में शामिल हो सकती हैं। अगर बात करें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री की, तो राजीव चंद्रशेखर जी हैं, और इनके द्वारा ये जो है वो घोषणा अभी हाल ही में की गई है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत का ये क्या है, पहला सशस्करण है। नेक्स्ट देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने एमएसएमई को GST चालान का उपयोग करने के तत्काल ऋण प्राप्त करने में सक्षम के लिए जो है वो एक नया ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए, PNB जो है इसमें ये कहा गया है, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जो है वो भारत को डिजिटल बनाने में काफ़ी हेल्प जो है वो मिली है। पंजाब नेशनल बैंक GST सहाय ऐप पूरी ऋण प्रक्रिया को जो है वो क्या करता है, डिजिटल बनाता है। तो एक नई ऐप जो है वो अभी बनाई गई है, और कौन सी ऐप है, सहाय ऐप, GST सहाय ऐप जो है इसका वो नाम दिया गया है।
इसमें जो है वो डे टू डे के जितने भी हमारी फंडिंग रहती है उनको पूरी तरह से जो है इसको डिजिटल फॉर्म में जो है वो दे दिया जाता है। एंड टू एंड डिजिटल आपका ये प्रोडक्ट रहेगा, इसमें कोई भी बाधा जो है वो नहीं मिलेगी। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी आप यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि PNB ऐसा पहला बैंक बना है जिसने GST चालान का उपयोग करने पर MSME को बाधा रहित ऋण सुविधा देने वाला ये देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का जो है वो बैंक बना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए आपके लिए बनता है। नेक्स्ट देखिए, RBI ने बंधन बैंक को नागरिक पेंशन वितरण के लिए किया अधिकृत। जितने भी हमारे इंडिया के बैंक हैं वो सारे के सारे RBI से ही जो है वो कनेक्टेड हैं। तो RBI ने अभी हाल ही में जो है वो बंधन बैंक को ये कहा है कि जो नागरिक पेंशन भोगी हैं उनको जो है वो पेंशन जो है वो बैंक की ओर से जो है वो दी जाए, मतलब जो भी उनका पैसा है वो उनको जल्दी ही जो है वो उनके पास पहुंचाया जाए। और बंधन बैंक को ये अधिकार मिला है कि जो भी बंधन बैंक को मिला ये अधिकार नागरिक मंत्रालय विभाग जैसे कि रेलवे, डाक या फिर जो डिफेंस के अलावा या फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे कि दिल्ली है, विधानसभा के बिना केंद्र शासित प्रदेश, उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन वितरित करने का यह अधिकार देता है। RBI के बारे में जानेंगे। 1935 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। पहला हेडक्वार्टर जो था वो इसका कहाँ पे था, कोलकाता में था। उसके बाद 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया। भारत में पहली बार बैंकों का जो नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण किया है वो किसने किया है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया है। RBI का जो वर्तमान मुख्यालय है वो है आपका मुंबई में। रॉयल कमीशन एक्ट के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और एक और चीज़ आप यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट की अगर मैं बात ना करूँ 2016 में जो है 8 नवंबर 2016 में जो है वो भारत में नोटबंदी की गई थी। और सबसे अच्छी बात इसमें ये रही थी कि हमारा भारत जो है वो GDP के उस पर जो है वो गिरा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है वो इंडिया ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है वो कर ली। देखिए थोड़े से MCQ के ऊपर भी हम फोकस करते हैं। अभी हाल ही में हमने ये पढ़ा कि नए रेलवे के अध्यक्ष और CEO के रूप में जो है वो किसे अभी कार्यभार दिया गया है। अभी हमने पढ़ लिया 166 साल के बाद जो है नया इतिहास बना है। पहली भारतीय महिला ऐसी हैं जिनको ये पद दिया गया है, तो उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया की पहली इथेनॉल से चलने वाली टोयोटा इनोवा कार किस मंत्री के द्वारा लॉन्च की गई है, तो नितिन गडकरी जी के द्वारा ये लॉन्च की गई है। दुनिया की पहली चीज आपके पास बताई गई है, तो भारत ने जो है वो यहाँ पे एक नया कदम जो है वो रखा है। और नितिन गडकरी जो है वो भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमंत्री भी हैं, तो इनके द्वारा जो है वो अभी हाल ही में टोयोटा इनोवा कार जो है वो लॉन्च की गई है। किससे चलेगी, तो एथेनॉल से ये चलेगी। तो BS6 जो है वो इसकी स्टेज जो है वो रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में RBI ने किस बैंक को नागरिक पेंशन वितरण के लिए अधिकृत किया है, तो अभी हमने पढ़ा बंधन बैंक के साथ ही समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, तो देखिए उमेश रेवनकर को। तो वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, उमेश रेवनकर। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्तमान में जो है वो श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और 35 साल से ज़्यादा इनको जो है वो फाइनेंस का अनुभव है। और श्रीराम फाइनेंस कंपनी जो है इन्होंने 1987 में जो है वो ज्वाइन की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखिए, आकाशवाणी एवं NSD के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है,
तो देखिए ये पद जो है वो दिया गया है डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी को, और ये जो है वो 1989 बैच की जो है वो वरिष्ठ अधिकारी जो है ये रही हैं, और इनको आकाशवाणी या फिर आप बोल सकते हैं NSD समाचार सेवा प्रभाग, जिसको हम न्यूज सर्विस डिपार्टमेंट के नाम से हम जानते हैं, इसका महानिदेशक का जो भार है वो इनको दिया गया है। पहले ये जो थी वो प्रेस सूचना में भी इन्होंने जो है वो महानिदेशक के रूप में काम किया है। नेक्स्ट देखिए, असम में राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया, इसकी लंबाई कितनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में 12 सितंबर को जो है वो इसका उद्घाटन किया गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। असम में जो है अभी हाल ही में 2.63 किलोमीटर का नया फ्लाईओवर जो है वो बनाया गया है। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है उनका, हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है, जिसका नाम जो है वो किसके ऊपर रखा गया है, नीलांचल पहाड़ियों के नाम के ऊपर रखा गया है, इसलिए उसका नाम पड़ता है नीलांचल फ्लाईओवर। इसकी कुल लंबाई 2.63 किलोमीटर की रहेगी। ये गुवाहाटी से मालीगांव चरियाली से कामाख्या गेट तक जो है इसको बनाया गया है। 420.75 करोड़ की लागत में इसको बनाया गया और लगभग 35 महीने से ज्यादा जो है इसको बनाने में समय जो है वो लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले से संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो अभी भारत जो है ऐसा पहला देश बन चुका है जो कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर जो है वो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, और ग्लोबल इंडिया AI 2023 का पहला संस्करण जो है वो भारत के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। तो कर्नाटक ऐसा पहला राज्य बना है जिसने गृह लक्ष्मी योजना जो है वो स्टार्ट की है। कर्नाटक की राज्य सरकार ने मैसूर में महिलाओं के लिए सामाजिक कल्याण योजना, जिसका नाम रखा गया है गृह लक्ष्मी योजना, ये स्टार्ट की गई है। इसमें परिवार के महिला मुखिया को सरकार की तरफ से प्रति महीने हर महीने जो है वो 2000 रुपये मिलेंगे, और इसका जो पंजीकरण की जो डेट थी वो आपकी 19 जुलाई से जो थी इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट कर दी गई थी। और कर्नाटक में जो है वो ये स्कीम जो है वो उस कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा वन लाइनर की फॉर्म में भी जानेंगे। सबसे पहले है, इसरो भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 कब लॉन्च करेगा। तो 2 सितंबर को जो है इसने भारत ने जो है ये लॉन्च कर दिया है। भारत का नया युद्ध पोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर को कहां पर लॉन्च किया जाएगा, तो मुंबई में। कहां पर है, मुंबई में भारतीय जो हमारी कोस्ट गार्ड रहती है उनके द्वारा जो है ये लॉन्च जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश सरकारी स्कूलों में बच्चों के अवाया पहनने पर रोक लगाएगा, तो ये है कौन सा देश, फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया, हाल ही में RBI ने किस बैंक के साथ नागरिक पेंशन वितरण के लिए जो है वो समझौता किया है, तो बंधन बैंक के साथ जो है वो समझौता किया है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में भारत की पहली महिला प्रभारी कौन बनी है, तो गीतिका श्रीवास्तव जो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि जो भी पहला या लेटेस्ट कोई भी अगर आपके पास न्यूज निकल के आती है इसलिए वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो गीतिका श्रीवास्तव जी ऐसी पहली भारतीय महिला है जिनको पाकिस्तान में भारत की प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था जो कि जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा था, ये आप देखिए, रेलवे बोर्ड के पहली महिला अध्यक्ष और CEO बनाई गई है जया वर्मा सिन्हा, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया की नीति आयोग ने, नीति आयोग और किसने भारत में STD में तेजी लाने के लिए सहयोग जो है वो किया है, तो UNDP के द्वारा जो है वो भारत में जो है वो तेजी लाने के लिए सहयोग किया गया है। उसके बाद है, दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली इनोवा जो कार है वो किस राज्य, किस मंत्री के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है, तो जो भारत के परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा ये लॉन्च की गई है। आप जल्दी से कमेंट करके बताएं हिमाचल के परिवहन मंत्री कौन है, पता होना चाहिए आपको, क्योंकि HRTC का एग्जाम कभी भी आपके सामने आ सकता है,
तो इसका आंसर आप जरूर करें बिना हेल्प लिए, बिना इंटरनेट की हेल्प लिए एक बार आंसर आप जरूर करें, खुद सोचें फिर आप कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त उद्योग विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैंने पहले भी आपको बताया था, लेटेस्ट इसी प्रकार की न्यूज आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट बनती है, डेली आपको ग्रुप्स में जो है वो न्यूज आपको भेजी जाती है, वहां से भी आप इसको जो है वो कवर कर सकते हैं। उमेश रेवरकर जो है ये क्या है, वित्त उद्योग विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया है, 35 सालों का जो है वो इनको क्या है अनुभव है। नेक्स्ट, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वीरेंद्र सक्सेना जी को जो है वो इनका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, जमैका में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए जाएंगे? तो मयंक जोशी, मयंक जोशी जो है वो जमैका में तो यहाँ पे आप देखिए जमैका में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए? मयंक जोशी। नेक्स्ट देखिए, भारत और किस देश ने नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो न्यूजीलैंड, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, तो भारत और न्यूजीलैंड के द्वारा जो है वो नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने स्थायी निकाय में OBC के लिए 27% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई है कि वहां के ओबीसी के लिए 27% जो है वो आरक्षण दिया जाए, कंसेशन जो है वो उनको दी जाए, रिजर्व उनकी सीटें जो है वो रखी जाए। इसके बाद इंग्लिश के सेक्शन को भी आप पढ़ सकते हैं, अगर हमारे अगर आपके पास विजयपथ एजुकेशन ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर में जाइए, विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन ऐप का आप नाम लिखिए, सर्च कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको करंट अफेयर के फ्री सेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ में PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंग्लिश का सेक्शन भी आपके पास यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से भी आप इंग्लिश को जो है जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप जो हमारी PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। नेक्स्ट, फिर से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के ऊपर हम आते हैं, ये देखिए आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना को भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास भी निर्माण सुविधा मिलेगी। तो हाल ही में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है, कौन सी है, जो कि कॉर्निंग इंक है, उसने जो है वो गोरिल्ला ग्लास बनाने के लिए जो है वो तेलंगाना को चुना है। तो तेलंगाना भारत का ऐसा पहला राज्य जो है वो बना है जहां पर गोरिल्ला ग्लास निर्माण करने के लिए जो है वो भारत में सुविधा मिलेगी। और गोरिल्ला ग्लास एक्चुअल में है क्या, तो ये जितने भी हमारे मोबाइल्स फोन रहते हैं, टच रहते हैं, टैबलेट हैं, लैपटॉप हैं, वहां पर इसमें जो है वो एक लेयर बनाने का जो है वो काम इस गोरिल्ला ग्लास के द्वारा किया जाता है ताकि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट देखिए, मनीष देसाई ने प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिर्देशक का पदभार संभाला है। तो राजेश मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति के बाद जो है मनीष देसाई को प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिर्देशक के रूप में जो है वो इनको चुना गया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले कौन थे, राजेश मल्होत्रा जी थे, वो रिटायर हो गए हैं और अब नए प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिर्देशक बनाए गए हैं मनीष देसाई, जो कि भारतीय सूचना सेवा के 1989 बैच के जो है वो अधिकारी हैं। पहले ये केंद्रीय संचार ब्यूरो के भी प्रमुख रह चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के गृह सदस्य के अधीन एक केंद्रीय प्रचार बोर्ड की जो है वो स्थापना की गई थी, उसके बाद जो है वो वहां पर महानिर्देशक जो है वो रखे गए थे, उनको महानिर्देशक का पद जो है वो दिया गया था, और उसके बाद इसका नाम जो है वो चेंज किया गया, केंद्रीय सूचना ब्यूरो जो है वो इसका नाम जो है वो रखा गया था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इसमें सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर जीवी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2000 से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में अब जो है वो आपके नोबेल प्राइज जो है वो भी आपके घोषित कर दिए गए हैं।
अभी 30 सितंबर के आसपास जो है वो नोबेल प्राइज भी घोषित कर दिए गए हैं, तो इनको भी आपने ध्यान में देखना, क्योंकि जो अक्टूबर की हमारे पास यहाँ पे करंट अफेयर की वीडियो आएगी उसमें हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को। तो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जो है वो बनता है। सत्यजीत मजूमदार को जो है डॉक्टर जी बी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडी के जो डीन है, मुंबई के प्रोफेसर हैं सत्यजीत मजूमदार को जो है ये अवार्ड जो है वो दिया गया है 2023 डॉक्टर जी बी पटेल मेमोरियल अवार्ड से जो है वो इनको सम्मानित किया गया है। तो ये जो है वो भारत में उद्यमिता उद्योग के जो है वो जनक जो है वो माने जाते हैं, और इसके लिए जो है इनको वो है अहमदाबाद में जो है वो इनको इस अवार्ड के लिए जो है वो चुना गया था। नेक्स्ट देखिए, रियल इस्टेट पर बैंक लोन का रिकॉर्ड बढ़ा, जुलाई में 28 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा आरबीआई। तो देखिए यहाँ पर ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आरबीआई से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कितना लोन जो है वो कितने करोड़ से ऊपर चला गया है, ये कितना क्रेडिट जो है वो बैंक को मिला है, यहाँ से कितने वृद्धि जो है वो देखने को मिलती है, तो टोटल 38% की वृद्धि जो है वो यहाँ पर देखने को जो है वो मिल रही है। नेक्स्ट देखिए, एएसआई ने लॉन्च किया एड्राट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, इंडियन हेरिटेज ऐप और ई परमिशन पोर्टल। तो एएसआई ने जो है वो अभी हाल ही में लॉन्च किया है, जिसको भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत के नाम से हम जानते हैं, इन्होंने जो है वो अभी हाल ही में इंडियन हेरिटेज ऐप और ई परमिशन पोर्टल जो है वो इनके द्वारा अभी भारत में जो है वो लॉन्च किया गया है। और ये मुख्य रूप से किसके ऊपर काम करेगा, जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है या जो भी हमने उसके संरक्षण के लिए जो है वो जो भी प्रोग्राम चलाए गए हैं, जो भी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, उनको जो है ये क्या करेगा, आपको आपके मोबाइल पर बताएगा, और उनके लिए जो है वो आपको परमिशन यहाँ वहाँ पर जाने की ऑडिटोरियम में या फिर वहाँ पर जाने के लिए जो है वो आपको परमिशन भी प्रोवाइड करवाएगा। तो उसके लिए जो है वो एक नया ऐप जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा जो है वो, जिसको एएसआई के नाम से हम जानते हैं, उसके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए, दुनिया के पहले न्यूट्रल क्रिकेट एम्पायर पीलू रिपोर्टर का निधन। तो देखिए इनको जो है वो न्यूट्रल क्रिकेट एम्पायर के नाम से हम जानते हैं, हाल ही में 3 सितंबर को 2023 में इनका जो है वो निधन हो गया, और ये 84 ईयर्स के थे। इन्होंने 14 टेस्ट और 22 एक दिवसीय मैचों में एम्पायरिंग की थी। 1992 में विश्व कप में भी इनको जो है वो शामिल किया गया था, और कौन से मैच में थे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच में थे। तो इनको न्यूट्रल इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये खिलाड़ियों के जो है वो दबाव में नहीं आते थे, अपना इनका जो है वो एक निर्णय जो है वो रहता था। और 1986 में भी ये आए थे, जब ये अपने भारतीय साथी बीके रामास्वामी के साथ पाकिस्तान और वेस्ट इंडिया के बीच लाहौर के टेस्ट में जो थे वो उतारे गए थे। तो देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन किस तरीके से आपके पास बनेगा, आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि इनमें से हाल ही में किस क्रिकेट एम्पायर का निधन हो गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि पीलू रिपोर्टर किस गेम से संबंध रखते थे, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो कुछ डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बजाज ऑटो की सब्सिडियर को मिली NBFC कारोबार की मंजूरी। तो क्वेश्चन थोड़े से अप लेवल के हैं, बेसिक हम क्वेश्चन को यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं, थोड़े से हाई लेवल का आपका करंट अफेयर रहने वाला है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल के करंट अफेयर की हम बात करेंगे तो उसमें कुछ यूनिक तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बजाज ऑटो की जो सहायक कंपनी है बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस ने अपने जो है वो संचालन को शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से उनको जो है वो मंजूरी मिल गई है, वो अपना फाइनेंस से रिलेटेड जो कारोबार है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। बजाज ऑटो ने इसी वर्ष 9 जुलाई को जो है वो आवेदन किया था, और उसके बाद 31 अगस्त 2023 को आरबीआई के द्वारा जो है उसको मंजूरी दे दी गई है।
नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु संयंत्र गुजरात में शुरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए क्योंकि भारत का पहला स्वदेशी है ये, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की जो है वो शुरुआत कर दी है। तो इंडिया जो है वो काफी आगे जो है वो बढ़ रहा है। अभी जो भारत में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत जो है वो 7480 मेगावाट की क्षमता वाले जो है वो रिएक्टर जो है वो स्थापित किए गए हैं, वो संचालित करता है हमारा भारत। और भारत में काम करने वाले रिएक्टरों को 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और 19 दबाव युक्त हैवी वाटर रिएक्टर भी जो है वो शामिल है। तो भारत जो है वो परमाणु के इसमें जो है वो परमाणु के क्षेत्र में भी जो है वो न्यूक्लियर के क्षेत्र में भी जो है सबसे आगे जो है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखिए, थोड़े से एमसीक्यू के ऊपर भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किस महान व्यक्ति के नाम के ऊपर ये मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती होती है उस दिन 5 सितंबर को, जो कि हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे थे और दूसरे जो है वो राष्ट्रपति भी रहे थे। तो साल 1962 में जो है वो ये राष्ट्रपति बने थे। बच्चों के साथ काफी इनका स्नेह था, जो स्कूली बच्चे थे ज्यादातर, ठीक है, उनको काफी अच्छा ज्ञान जो थे ये देते रहते थे। इन्हीं की जयंती के ऊपर जो है वो इनके नाम के ऊपर जो है वो 5 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं, ये तो हो गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल लेवल का, लेकिन अगर इंटरनेशनल की बात करूं तो पूरे एक महीने के बाद 5 सितंबर से पूरा एक महीना कब हुआ? 5 अक्टूबर को, यानी कि 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर डे जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो मेटा के साथ ये समझौता किया गया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री जो है वो धर्मेंद्र प्रधान है। और अगर हम राज्य शिक्षा मंत्री की हम बात करें तो उनका नाम है जितेंद्र कुमार। और अगर हिमाचल के शिक्षा मंत्री की बात करें तो वो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हिमाचल के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी की उपस्थिति में जो है वो दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ साथ मेटा के बीच जो है वो 3 साल की साझेदारी के ऊपर जो है वो हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो छात्र हैं, शिक्षक हैं, उनको जो है वो उनकी पीढ़ी को जो है वो सशक्त बनाना है, उनको जागरूक करना है। तो इसके लिए जो है वो मेटा के साथ अभी हाल ही में केंद्रीय सरकार ने जो है वो समझौता किया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ अभी हाल ही में जो है वो ये समझौता किया गया है। ऊर्जा के विकास में तेजी लाने के लिए जो है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड जो है उसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, तो 2 बैंक हैं, ध्यान दीजिएगा, एक ही ऑप्शन में आपके पास दिया गया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ और साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो है वो समझौता किया है। और अगर हम बात करें कि भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1987 में उसकी स्थापना की गई थी और ये भारत सरकार के तहत एक मिनी रतन कंपनी के रूप में जो है वो रखी गई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कॉनिंग इंक भारत में कहां अपना गुरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेगा? तो अभी मैंने आपको बताया, तेलंगाना भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर ये पहली बार जो है वो गुरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा जो है वो मिलेगी, क्योंकि देश का ये पहला जो है वो एक निवेश है और इसके तहत जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए जो वो ग्लास है वो आपके तेलंगाना में ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो लोकेश सूजी को जो है वो ये चुना गया है। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना 2008 में की गई थी और इसका मेन उद्देश्य क्या है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स फेडरेशन का मेन उद्देश्य क्या है, कि जो भी भारत में ई स्पोर्ट्स हैं उनको जो है वो क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स है, जो भी हम कंप्यूटर
मोबाइल के ऊपर गेम्स जो है वो खेलते हैं, और उनको जो है वो थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए ताकि बच्चों का माइंड जो है वो शार्प हो। लेकिन बच्चों का माइंड उस तरीके से शार्प करना है, ऐसा नहीं कि वो कुछ नई नई गेमें खेलते रहें, जैसे फ्री फायर है, पबजी है, उस तरीके से नहीं। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसमें साइंस का यूज़ होता है, आप स्पोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, उस तरीके के गेम्स जो है वो वहाँ पर प्रमोट किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने अपना नवीनतम इनोवेशन कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है, तो ये आपका है पेटीएम, और ये आप सभी जानते हैं, आप सभी इसका यूज भी कर रहे हैं। तो पेटीएम ने जो है वो अपना लेटेस्ट कार्ड साउंड बॉक्स जो है वो मार्केट में भी लॉन्च कर दिया है। इसके तहत जब भी आपके इस पेटीएम के ऊपर कोई स्कैन करके आपको पैसे भेजता है, तो पेटीएम तुरंत जो है वो उसको एक वॉइस फॉर्म में जो है वो आपको एक मैसेज जो है वो प्रोवाइड करवाता है कि आपके अकाउंट में जो है वो 500 रुपीज जो है वो सबमिट हो गए हैं। तो ये टोटल 11 भाषाओं में जो है वो आपको मिलेगा, अलग अलग भाषाओं में जो है वो आपको ये अलर्ट देता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है, तो इंद्रजाल जो है वो इसका नया नाम रखा गया है। भारत में एआई जो है इसका भी सम्मेलन जो है वो किया जा रहा है। भारत ऐसा पहला राज्य है जो एआई के ऊपर जो है वो वर्क कर रहा है, और एआई जो है वो भारत में पहला संस्करण जो है उसको भी मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। तो भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का जो नया नाम दिया गया है वो है इंद्रजाल, और ये कहाँ पे आपका किया जाएगा इसका प्रशिक्षण, तो ये है आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट देखिए, जम्मू विश्वविद्यालय में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किसने किया है, तो मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, उन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय के 54 स्थापना दिवस, क्योंकि जम्मू विश्वविद्यालय को बने हुए 54 साल जो है वो हो गए हैं, तो वहां पर उन्होंने जो है घोषणा की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए वहां के राज्यपाल है मनोज सिन्हा, तो वहां पे ये घोषणा की गई है कि वहां पर अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का जो है वो उद्घाटन उनके द्वारा जो है वो किया गया है, ताकि लोगों के द्वारा जो है वो वहां पर एकीकृत विकास में जो है वो भागीदारी मिल सके। थोड़े से वन लाइनर क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे, और ये हमारा लास्ट सेक्शन इसका ये रहने वाला है। इसके साथ साथ जो भी आपकी इसकी पीडीएफ है वो आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, और हमारे एप्लीकेशन विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन के ऊपर भी आपको मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे लिए जो है वो इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर जो है वो कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वन लाइनर में, हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के ऊपर ये मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिस एलिगुई नुगुएमा ने देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो गेबोन है। ये आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहां पर शुरू हुआ है, तो नई दिल्ली में जो है ये शुरू हुआ है। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में सबसे टॉप पे कौन पहुंचा है, तो ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश, ये जो है वो भारत के जो विश्वनाथन आनंद है, शतरंज के महाखिलाड़ी हैं, इनको जो है इन्होंने अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना इनोवेशन साउंड बॉक्स जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है हाल ही में, तो पेटीएम ने जो है वो ये लॉन्च किया है। हाल ही में नाभ मित्र का किस राज्य के साथ नींदकारा में सफल परीक्षण किया गया है, तो ये केरल में जो है वो सफल परीक्षण किया गया है। कॉनिंग इंक भारत में कहाँ पे अपना गोरिल्ला ग्लास जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा स्थापित करेगा, तो देखिए तेलंगाना में जो है ये स्थापित किया जा रहा है, भारत का ऐसा पहला राज्य है। और गोरिल्ला ग्लास जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जो है वो एक लेयर बनाता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये कंपनी किसकी है, कॉर्निंग इंक की जो है वो ये कंपनी है, जो कि क्या बनाते हैं, गोरिल्ला ग्लास बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पुरातात्विकों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारी की कब्र का पता लगाया है, तो यह है आपका पेरू, एक देश है वहां पर जो है ये इस कब्र को जो है वो पता लगाया गया है। नेक्स्ट, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड जो है उसने दो बैंकों के साथ समझौता किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सेकेंड बैंक इज द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के पहले न्यूट्रल एम्पायर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम था पीलू रिपोर्टर, और ये जो थे वो 84 ईयर्स के थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ 3 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन शण
मुगरत्नम को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो भारतीय मूल के जो है अर्थशास्त्री हैं और सिंगापुर के जो है ये देश उस देश के जो है वो नए राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। तो ये हमने जो है वो पूरे के पूरे सितंबर मंथ का, सितंबर 2023 का जो है वो हमने पूरा का पूरा करंट अफेयर कवर किया। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है। आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो आप अपनी फोन में नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो आपको इसके सारे के सारे नोट्स जो हैं वो आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर, आपको एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब आपको एप्लीकेशन किस तरीके से डाउनलोड करनी है, आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में आप जाइए, वहां पे आपको सर्च करना है विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, विजयपथ भी आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का लोगो जो है वो वहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे जल्दी से आप वहां पे अपनी रजिस्ट्रेशन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहां पे आपको चॉइस करनी है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी है तो गवर्नमेंट एग्जाम के ऊपर जाइए, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो स्कूल स्टूडेंट के ऊपर आप क्लिक कीजिए और अपने अकॉर्डिंग जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका आप ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे नोट्स भी वहां पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आर्मी के 50 प्लस हमारे जो पेपर हैं, प्रिंटेड पेपर हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको जो है वो मिल रहे हैं। तो ऐप के ऊपर आप जा सकते हैं, उसमें हमने इसका सैंपल जो है वो भी आपको डाल दिया है और ये आपके 15 के 15 पेपर जो है वो आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में आपको घर में आपके प्रोवाइड करवाए जाएंगे बाय पोस्ट। और इसके साथ साथ अगर आप हमारी अदर बुक्स को भी अगर परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे ऐप के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं, www.vijaypatheducation.com वेबसाइट के ऊपर जाइए। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप अपने नोट्स जो हैं वो देख सकते हैं। करंट अफेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सितंबर 2023 का हमने पूरा का पूरा करंट अफेयर कवर किया। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। जल्दी ही एक नई फ्रेश क्लास के साथ हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।